ऑफ मास डिफेक्ट आपने बेटी लास्ट टाइम किया था। मास डिफेक्ट के बाद बेटी हमारे पास दो टॉपिक्स जो हैं वो मेजर बचे हुए हैं। एक हमारे पास बेटी कंसेप्ट है हमारा न्यूक्लियर फिशन का, एंड देन वी हैव न्यूक्लियर फ्यूजन का। सो लेट अस कंसंट्रेट अपॉन न्यूक्लियर फिशन। जो बेटे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको अल्फा बीटा गामा डिके के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बेसिक इक्वेशंस बेटे मैं आपको यहाँ पर पहले इनकी करवा देता हूँ। ये आपके पास एक्स जेड ए कोई एटॉमिक स्टेट है। अगर अल्फा पार्टिकल की अमिशन यहाँ से हो रही है, आपके पास जो न्यू एलिमेंट बनेगा दैट विल बी जेड माइनस टू ए माइनस फोर, और ये आपका जो हीलियम न्यूक्लियस निकलता है ये अल्फा पार्टिकल बेटे कहलाता है। सो अल्फा अमिशन में जो डॉटर न्यूक्लियस बना इसको बेटे पेरेंट न्यूक्लियस, इसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। डॉटर न्यूक्लियस का अटोमिक नंबर टू कम हो जाएगा और मास नंबर बाई फोर कम हो जाएगा बेटा। और इसके बाद अगर आप, दिस इज योर बेटे अल्फा अमिशन, अगर आप बात करो बीटा अमिशन की, बीटा अमिशन में दिस इज एक्स जेड ए, बीटा पार्टिकल की अमिशन हुई, जो डॉटर न्यूक्लियस बन गया आपके पास वाई, दिस इज जेड प्लस वन इनटू ए, इसके साथ एक ये बीटा पार्टिकल और ये एंटी न्यूट्रिनो आपको बेटे मिल जाता है। अगर आप ध्यान दें बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर जब दोनों ऐड करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जितना भी पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है उसके बराबर हो जाएगा, और सेम मास नंबर के साथ आपका जो है ये सारे का सारा सेटअप जो है दैट विल बी सेटिस्फाइड। इसके बाद हमारे पास है बेटा गामा अमिशन। इस केस में गामा अमिशन के केस में वी हैव बेटा, गामा अमिशन में वी हैव एक्स जेड ए, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में ये न्यूक्लियस है पड़ा हुआ। जब आप गामा अमिशन की बात करते हो तो ये एक्स जेड ए ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और इसके साथ गामा पार्टिकल का बेटे अमिशन हो जाया करता है। ये आपका अल्फा बीटा एंड गामा अमिशन है। अब अल्फा बीटा एंड गामा अमिशन होता क्यों है? अल्फा अमिशन, बीटा अमिशन या गामा अमिशन, जब भी आपका पेरेंट न्यूक्लियस बेटे अनस्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास होगी, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करने के लिए अल्फा बीटा एंड गामा अमिशन जो है ये बेटा इंडिकेट कर देता है। ये अल्फा बीटा गामा अमिशन की बच्चों बेसिक इक्वेशंस हैं। दीज ऑल माइट बी वेल नोन टू यू बेटा। इसके बाद ही हम बेटे फिर न्यूक्लियर हमारा जो फिशन रिएक्शन है इसको स्टार्ट कर पाते हैं। सो आइए बेटे अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की बात करें। न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या है और न्यूक्लियर फिशन हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं बेटा? इन दिस केस वी कैन से दैट न्यूक्लियर फिशन जो है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस इंटू टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियस आपको प्रोवाइड किया गया है। हैवी न्यूक्लियस जब आपका बेटे लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, वी एट दैट प्लेस से दैट कि आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये हुआ है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में बेटे हम सबसे अच्छा एग्जांपल यूरेनियम हमारा जो है इसका यहाँ पे जनरली दिया करते हैं। यूरेनियम 92-235 आपका अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस होता है। लेट अस सी टू फोकस अपॉन दिस रिएक्शन रादर।
ये न्यूट्रॉन है आपके पास, दिस इज स्लो न्यूट्रॉन, और जो स्लो न्यूट्रॉन है बेटा, जब आप इसको बम्बार्ड करवाएंगे यूरेनियम 92-235, ये बेटे न्यूक्लियस आपका जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन्ड इन इट। आपका एम और पी का रेशियो जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहता, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये आपको यूरेनियम 92-236 ये बेटे कंपाउंड न्यूक्लियस कहलाता है। कंपाउंड न्यूक्लियस आपने ये बना लिया, ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है बेटा ये फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन दो लाइट न्यूक्लियाई जो है इनमें बेटे स्प्लिट कर जाएगा। लेट अस फोकस कि ये आपके पास बेटे दे देगा आपको बेरियम और साथ ही साथ आपको क्रिप्टॉन दे दिया, इसके साथ तीन न्यूट्रॉन्स मिल गए और इस रिएक्शन में बेटे एनर्जी का अमिशन हो गया। दिस इज 56141 और जो आपका क्रिप्टॉन है डियर चिल्ड्रन याद रखिएगा 3692। जब भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन लिखें दोनों तरफ एटॉमिक मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स का कंपैरिजन कर लीजिए, रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड पर वेदर इट इज टर्निंग आउट टू बी सेम और नॉट, तो ये देखिएगा ये 92 बन जाता है सम इनका और ये आपका 141 एंड 92 बन गया 3233। तीन न्यूट्रॉन्स आपके पास है, 236 बन जाता है। सो वी कैन से दैट इन दिस वे हमारा रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है बेटा। सो बेटी आपका हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से जब लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाएगा, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये यूरेनियम जब शो करता है तो ये सिर्फ स्लो न्यूट्रॉन के साथ ही बेटे न्यूक्लियर फिशन शो कर पाएगा, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है उनके साथ ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता। अगर बेटे हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करें तो हमारा ये बेटा पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज हो जाता है। अगर आप इसको बेटे अनकंट्रोल्ड वे में जाने दें तो ये बेटे आपका एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल बन जाया करता है। तो आइए बेटे थोड़ा सा डिस्कस करें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, फिर बेटे मैं आपको कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड वे वाली बात डिटेल में बेटे समझाता हूँ। आइए देखें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। बेटे जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, जब आप न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड वे में प्रोसीड करने देते हैं, दैट बिकम्स न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसमें आपके पास एक सिंगल न्यूट्रॉन है, ये सिंगल न्यूट्रॉन आपका बेटे जो है यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ इसने स्ट्राइक किया और आपको बेटे बेरियम एंड क्रिप्टॉन ये दो लाइट न्यूक्लियाई मिल गए और इस रिएक्शन में आपके पास ये तीन न्यूट्रॉन्स का अमिशन बेटे जो है ये हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, ये रिएक्शन को फर्दर कैरी नहीं कर सकते। अगर किसी वे में इनको स्लो डाउन कर लिया जाए तो ये न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम एटम के साथ न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन दो लाइट न्यूक्लियाई बन गए और ये आपके पास बेटे तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं एज एडिशनल बाई प्रोडक्ट मिल गए। ऐसे ही ये ब्रांच यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगी, बेरियम और क्रिप्टॉन ये दो लाइट न्यूक्लियाई बन गए, तीन न्यूट्रॉन्स आपको जो है ये एस सच मिल रहे हैं। और ऐसे ही ये वाला ब्रांच आपका यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन दो लाइट न्यूक्लियाई, तीन न्यूट्रॉन्स आपको एज बाई प्रोडक्ट साथ में मिल रहे हैं। इमेजिन करिएगा
अगर ये न्यूट्रॉन्स फर्दर इसी तरीके से इस चेन को कंटिन्यू करें तो आपके पास में तो बहुत 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 हैवी रेट के साथ ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर हम इसको ऐसे ही जाने दें तो ये आपका बेटे एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल बन जाता है। और अदरवाइज अगर हम इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करने की कोशिश करें तो आप ये वाले जो दोनों न्यूट्रॉन्स हैं इन न्यूट्रॉन्स को बेटे अब्सॉर्ब करवा दीजिए किसी तरीके से। ये एक न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन कैरी करेगा और ये जो दो न्यूट्रॉन्स अमिशन हो रहा है इनको भी अब्सॉर्ब करवाइए, फिर एक न्यूट्रॉन बचेगा। इन दिस वे कंट्रोल्ड वे में जब आप इसको यूज करोगे तो यू कैन गेट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वी मे बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाई द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन विच इज इन कंट्रोल्ड। अब अगर हम आगे चलें बेटा इसी फिशन रिएक्शन के साथ या चेन रिएक्शन के साथ रिलेटेड हमारी एक टर्म है दैट इज विद ए रिप्रोडक्शन फैक्टर या रिप्रोडक्शन रेशियो। रिप्रोडक्शन फैक्टर रिप्रोडक्शन रेशियो भी इसको बोल देते हैं। ये बेटे रिप्रोडक्शन रेशियो या रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है कि आपके न्यूट्रॉन्स किस रेट से अमिट हो रहे हैं टू द किस रेट से न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक न्यूट्रॉन है इससे तीन बन गए, रेट ऑफ एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 हो गया, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन 1 हो गया, 3:1 रेशियो बन गई। सो जिस रेट से न्यूट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं जिस रेट से न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं इनका रेशो आपको बेटे दे देता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। सो रिप्रोडक्शन फैक्टर या रेशो भी कह देते हो आप बेटा, रिप्रोडक्शन फैक्टर और रेशो जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रेट एट विच न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड टू द रेट एट विच न्यूट्रॉन्स आर अब्सॉर्ब। सो डियर चिल्ड्रन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप कुछ इस तरीके से बच्चों लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन फैक्टर के जो है इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाई रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा तीन पहले ही स्टेप में न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब हुआ और ये रेशो आपका इस केस में 3:1 आ रहा है हर एक स्टेप पे। और बच्चों याद रखिएगा अगर आपका के मोर देन 1 हो आपका रिएक्शन बेटा जो है वो सुपर क्रिटिकल रिएक्शन कहलाता है। सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है इट इज इन द एक्सेलरेटिंग मोड और यही आपका एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है। सेकेंडली आपके पास के अगर 1 हो जाए तो दिस इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप इसको कंट्रोल्ड वे में यूज कर रहे हो, आप इसको पावर की प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में यूज कर सकते हो, मतलब जिस रेट से न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं उसी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना ये एक्सेलरेट हो रहा है ना डी एक्सेलरेट हो रहा है, क्रिटिकल है, आपको एनर्जी मिल गई है। और अगर के आपका लेस देन 1 हो जाए इट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। ये बेटे स्लो डाउन मोड में होता है रिएक्शन ऐसी सिचुएशंस में, और अगर ये सब क्रिटिकल है तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन थोड़े टाइम के बाद बेटे रुकने वाला है, आपने इसको रिएक्शन को स्लो डाउन कर दिया हुआ है। इन दिस वे बेटे
आप अपने न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरीके से बेटा चेन रिएक्शन को समझ सकते हैं, और इसके साथ रिलेटेड जो आपकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आप इनको बेटा यूज कर पाएंगे। सो बेटे फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन रिएक्शन जो है रादर, इसको बेटे आप स्प्लिट करना न्यूक्लियस हैवी को लाइट न्यूक्लियाई में, इस चीज को आप बेटे बोला करते हो आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बेटे हमें काफी फायदे भी हैं, आप के को मोर देन वन अगर रखोगे तो ये आपको एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल बना देगा, अगर आप के को वन रखोगे तो ये क्रिटिकल हो जाएगा, अगर लेस देन वन रखोगे तो इट विल बिकम बेटे सब क्रिटिकल, इट विल बी इन द स्टॉपिंग मोड, और आप इसको अकॉर्डिंगली जिस जिस भी जगह पर आपको जरूरत हो आप इसको बेटे कॉरस्पॉन्डिंग वे में यूज कर सकते हैं। इसके बाद बेटे इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि प्लूटोनियम जो है इसको यूरेनियम से बेटर क्यों माना गया। आइए दो स्टेप्स आपको ये भी समझा दूं, देन आई विल शिफ्ट टू द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का सेटअप कैसा होता है वो फिर मैं आपको बेटे समझाता हूँ। बट कई बार ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटोनियम इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फ्यूल, व्हाई इट इज सो। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूरेनियम 92-238 ये आपके यूरेनियम का जो है आइसोटोप, ये स्लो न्यूट्रॉन के साथ बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट करता है, और जब ये इस न्यूट्रॉन के साथ बेटे आप इसको बम्बार्ड करवा दोगे तो आपके पास यूरेनियम 92-239 बन गया, वन ये है 238 ये है, और बेटे ये जो यूरेनियम 92-238 बना है आपके पास बेटे 39 सॉरी जो बना है कंपाउंड न्यूक्लियस, ये फर्दर मोर बेटे बीटा मिशन करके आपको नेपच्यूनियम एज ए प्रोडक्ट दे देता है। दिस इज 93-239 ये बीटा पार्टिकल, ये एंटी न्यूक्लियम। तो ये नेपच्यूनियम जो बन गया है आपका बेटे यहाँ पर, इस नेपच्यूनियम ने भी फर्दर बेटा जो है बीटा पार्टिकल की एमिशन इंडिकेट कर देनी है, और ये आपको प्लूटोनियम 94-239 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूक्लिनो दे देता है। ये आपके पास जो प्लूटोनियम बना है इसकी बच्चों खास बात ये है कि ये बेटे न्यूक्लियस जो है ये स्लो एज वेल एज फास्ट दोनों न्यूट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है शो कर देता है, इसीलिए इसको बेटर फ्यूल माना गया है। फिर से पुत्र ध्यान से समझिएगा, यूरेनियम जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन ये जो आपका प्लूटोनियम बना है ये बेटे आपको स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन शो कर देता है, इसीलिए इसको बेटर फ्यूल माना गया। एक बेटे और टर्म आती है ब्रीडिंग ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल को एट ए हायर रेट प्रोड्यूस करना इन कंपैरिजन टू द रेट एट विच इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, और ब्रीडर आपका जो रिएक्टर है उसमें भी यही रिएक्शन होता है, आप जिस रेट से ये वाला न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा रेट पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इन अदर वर्ड्स यू आर ब्रीडिंग द न्यूक्लियर फ्यूल, दैट इज वाई वी से दैट कि आप जब हायर रेट पर न्यूक्लियर फ्यूल की प्रोडक्शन कर लेते हो इन कंपैरिजन टू द रेट एट विच इट इज कंज्यूम्ड, वी से दैट वी आर ब्रीडिंग द न्यूक्लियर फ्यूल, और ये सारे का सारा ब्रीडिंग का प्रोसेस जो है ये बेटे ब्रीडर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है,
ब्रीडर रिएक्टर्स में ये रिएक्शन जो है ऐसे चलता रहता है। आइए आगे मैं थोड़ा आपको बेटा, हमने जब इस एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में, हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटे किस तरीके से यूज करेंगे। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द सेटअप ऑफ द सर्किट एंड असेंबली ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ऑल दैट। इस केस में बेटा लेट अस हैव न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटे आपके पास एक कोर और द सेंट्रल कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से हुआ करता है। दिस इज द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर में आपने न्यूक्लियर फ्यूल की रॉड्स ये एडजस्ट करके रखी हुई है। दीज आर कॉल्ड फ्यूल रॉड्स। बेटा न्यूक्लियर फ्यूल की बनी हुई ये रॉड्स हैं। इसके अंदर आपने बेटा ये मॉडरेटर वगैरह फिल करा हुआ है। आई विल बी लेबलिंग दिस डायग्राम इन द एंड। इसके अंदर आपने ये कैडमियम रॉड्स एडजस्ट की हुई है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपके पास रहते कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स का प्लस पॉइंट ये होता है कि ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। सो ये बेटे आपके इस तरीके से सेटअप में एडजस्ट कर दी जाती है। दिस इज द रिएक्टर कोर, दीज आर द फ्यूल रॉड्स, दीज आर द कंट्रोल रॉड्स और द कैडमियम रॉड्स का। और आपके इस असेंबली के बाहर ये कूलेंट डाला जाता है। दिस इज द स्पेस फॉर द कूलेंट। और इस कूलेंट को आप बेटा इस तरीके से बेटे रिएक्टर की कोर के बाहर वाले पार्ट में मैनेज कर लेते हैं। ये एक पाइप के थ्रू, एक हैवी पाइप के थ्रू आप इस पर्टिकुलर चैम्बर को इस हीट एक्सचेंजर में से पास करवा देते हैं। दिस इज द हीट एक्सचेंजर। लेट मी ड्रॉ दिस हीट एक्सचेंजर। देन ये कुछ इस तरीके का सेटअप है बेटा, इस तरीके से दिस वे। और ये सारे का सारा बेटे आपके पास हीट एक्सचेंजर, इसमें आपने पानी फिल करके रखा हुआ है। और बच्चों ये इस तरीके का सारा सेटअप। और दिस इज ऑल वाटर प्रेजेंट इन दिस वे। और इसके बाहर आप इतने कंक्रीट का वॉल आपने लगा रखा है, 1 से लेकर 10 फीट इसकी विड्थ होती है कंक्रीट वॉल की। बिकॉज अगर आप कंक्रीट वॉल नहीं करते तो रेडिएशन लीकेज जब हो जाता है तो वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स लिविंग सेल्स और टिश्यूज में क्रिएट कर दिया करता है। तो फिर उनको प्रॉब्लम्स को बेटे जो है टैकल करना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ से एक आपने यूनिट जो है अपना, इसको आपने बेटा टर्बाइन के साथ कनेक्ट कर रखा है। और यू कैन वेल इमेजिन दिस इज द टर्बाइन सेटअप ओवर हियर दिस वे। और बेटा टर्बाइन को रोटेट करने के बाद जो डेड वेपर्स हैं, ये डेड वेपर्स फिर इसको वापस भेज दिए जाते हैं और ये फिर से आपका यूनिट इस तरीके से चलता रहता है। आइए अब इसको बेटे वन बाई वन लेबल करें और देखें कि ये पार्ट्स है क्या। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका कोर सेंट्रल पार्ट। इसके अंदर ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, दिस इज बेटे मॉडरेटर। मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन सबको। दीज आर कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स। ये कैडमियम की बेटे बनी होती है। कैडमियम न्यूट्रॉन्स को इजीली अब्सॉर्ब कर लिया करता है जो आपको नहीं चाहिए होते। और इसमें आपने यहाँ पे बेटे कूलेंट फिल किया होता है, यहाँ इस जगह पर। दिस इज द कूलेंट और दिस इज बेटे
लेंथ, ये आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है अंडर प्रेशर और पानी भी हो सकता है, कोई भी आप चीज ले सकते हैं। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिया जाता है किसी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टर से। और ये चीज जो है आपकी, दिस इज हीट एक्सचेंजर, हीट को एक्सचेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बच्चों टर्बाइन है और यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर लेते हो टर्बाइन। अब आइए बेटे वन बाई वन, ये कंक्रीट वॉल, दिस इज कंक्रीट वॉल, कंक्रीट वॉल, इसकी थिकनेस 8 से लेकर 10 फीट, इतना मोटा ये दीवार बनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल और इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द अदरवाइज विथ ए रेडिएशन दैट आर गेटिंग विथ ए इवॉल्व व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एज सच विथ ए। सो नाउ बेटे लेट अस फोकस अपॉन द सेटअप एज सच, की हम किस तरीके से इस सेटअप की वर्किंग की बात करेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो फ्यूल रॉड्स हैं आपकी, इन फ्यूल रॉड्स ने, आपने अभी अभी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। एक न्यूट्रॉन आप इसको देंगे, 3 न्यूट्रॉन्स आपको एज प्रोडक्ट मिलेंगे, फिर वो 3 न्यूट्रॉन्स यूज होकर 9 देंगे आपको, फिर वो 9 से 27, ये अनकंट्रोल्ड वे में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप कैडमियम रॉड्स को जब इंसर्ट कर देते हो इनटू द न्यूक्लियर रिएक्टर को, ये देखिएगा ये आपका कैडमियम रॉड्स जो हैं, जब आप इनको बेटे इंसर्ट कर देते हो तो जो आपके न्यूट्रॉन्स आपको बेटे नहीं रिक्वायर्ड हैं, आप नहीं चाहते हैं कि ये आपके न्यूक्लियर रिएक्शन को बेटे जो है ये कैरी ऑन करें बेटा, तो उस केस में क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इसमें अब्सॉर्ब हो जाया करते हैं, एक ही न्यूट्रॉन बचेगा, बाकी वो न्यूट्रॉन फिर क्रिटिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर लेगा। और बेटे इस न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट डिवेलप होती है, और वो हीट जो है बेटा जब इसके राउंड अबाउट ईए वाले चैम्बर में कूलेंट आपने फिल कर रखा है, मे बी वाटर हो, हैवी वाटर हो, या कोई और आप ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, नाइट्रोजन ले लें अंडर प्रेशर, वो इसकी हीट जो इसने रिएक्शन दी है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और वो जो कूलेंट है जब इस बेटे पाइप के थ्रू इस हीट एक्सचेंजर में से ये फ्लो करेगा कूलेंट, मे बी गैस, मे बी इवन वाटर, तो ये वाला जो वाटर है इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, और जब ये बॉइल करेगा बेटा तो स्टीम की प्रोडक्शन होगी। स्टीम को अंडर प्रेशर आप बेटे टर्बाइन को रन करने के लिए यूज कर लेते हैं, ये टर्बाइन मूव करना स्टार्ट कर देगा, टर्बाइन जब मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टीम ने टर्बाइन के ब्लेड्स को रन कर दिया तो जो डेड वेपर्स हैं बेटा, वो डेड वेपर्स इस तरीके से इधर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, अगेन दीज आर गिवन बैक टू द हीट एक्सचेंजर इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर। सो ये सिस्टम बेटे चलता रहता है। अब थोड़ा इस तरफ और ध्यान दें, मॉडरेटर का क्या काम है, इसके अंदर जो आपने मॉडरेटर बेटे फिल कर रखा है, मॉडरेटर आपका हैवी वाटर हो सकता है, मॉडरेटर आपका वैक्स भी हो सकता है, पैराफिन वैक्स भी हो सकता है। मॉडरेटर क्या करता है कि आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन्स में बदल देता है बाय द मीन्स ऑफ इलास्टिक कोलिजंस। बेटे आपके न्यूट्रॉन्स और मॉडरेटर के जो एटम्स हैं इनके बीच में बेटे जब कोलिजंस होती हैं, दीज कोलिजंस आर परफेक्टली इलास्टिक, उन कोलिजंस में जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है न्यूट्रॉन्स उन पैराफिन वैक्स या हैवी वाटर या मॉडरेटर कह लो, उसको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, और ये रिएक्टर का कोर गर्म हो जाता है और वो जो हीट है उसको कूलेंट इससे लेकर इस तरीके से स्टीम बनाता है, वो स्टीम टर्बाइन को रन करती है, डेड वेपर्स वापस आ जाते हैं। और कंक्रीट वॉल, कंक्रीट वॉल बेटे 8 से लेकर 10 फीट वेट तक की होती है। न्यूक्लियर लीकेज अगर हो जाए
तो ये बेटे लिविंग टिश्यूज एंड सेल्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। किसी भी तरीके की रेडिएशन की लीकेज को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए ये कंक्रीट का दीवार एक इसके राउंड अबाउट बना दिया जाता है, और हम सेफली इस रिएक्टर को चलाकर मे बी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अब बेटे एक और छोटी सी बात आ जाती है पर, कि आप जब भी बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर देते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बेटा कई बार जैसे लास्ट ईयर जापान में उस बेटे फ्लड्स की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद करना पड़ा था, तो कैडमियम रॉड्स को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर वो कैडमियम रॉड्स क्या करती है, जितने भी न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सबको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दैट कम्स टू एन एंड, और आपका रिएक्शन रुक जाता है और आप बेटे अपने इस रिएक्टर को सेफली शट डाउन कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे आप अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प के साथ अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको अनकंट्रोल्ड वे में जाने देंगे इट विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर योर एटॉमिक बॉम्ब रादर। सो इन दिस वे बेटे हम अपने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को बेटा समझ सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। कल हम फ्यूजन रिएक्शन बेटे जो है वो कंप्लीट करके चैप्टर कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट चैप्टर बच जाएगा सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट वीक में वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। देन यू विल बी फ्री फ्रॉम द सिलेबस साइड, आपका सिलेबस कंप्लीटली नेक्स्ट वीक एंड तक बेटे फिनिश हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने कुछ कहना है तो आप बता सकती हो बेटा। क्षितिज, सुप्रिया, स्मित, अभी, अरुषि, गुंजोत, ध्रुव, यस बेटा, एनी पॉइंट? ओके बेटे, थैंक यू ऑल।